हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिवनिटी टेरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ एंड हाउ विल बी द रिलेशनशिप, आपके साथ उनका संबंध कैसा होगा और वो कौन है। ठीक है, सो आप जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड जरूर देखें चैनल ऑफ आदित्य सैनी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पहले हम ये क्यूट ओरेकल से देखेंगे कि ये इंसान कौन है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में हु इज कमिंग नेक्स्ट एंड हाउ विल बी द रिलेशनशिप, किस तरह से संबंध होगा और वो कौन है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन आने वाले हैं नेक्स्ट, हु इज कमिंग नेक्स्ट। द फर्स्ट कार्ड इज द चाइल्ड 18। ओके, वी डू हैव द ग्रेट फॉर्चून, वी डू हैव द डिस्टेंट होराइजन, कोर्टशिप, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द जर्नी। ओके, सो 10, 18 दैट इज 9, 26 that is 8, 36 that is 9 and 4 is very important. तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं साइंस के बारे में बाद में बताती हूँ। ओके, एयर साइन है यहाँ पे, वाटर साइन है यहाँ पे, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। ओके, बाकी साइंस हम टैरो कार्ड से ही डिस्कस करेंगे। नाउ बेसिकली यहाँ पे शुरुआत होता है एक चाइल्ड के साथ, आपके साथ जिनका भी कनेक्शन होगा नेक्स्ट। ठीक है, इधर तो है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बचपना इनके अंदर होगा। ठीक है, मैच्योर थोड़ा सा आपसे ज़्यादा। और दूसरा चीज़ है कि ये इंसान भले ही मैच्योर हो, ये भी हो सकता है कि बट इनके अंदर मासूमियत काफ़ी आपको दिखेगा। ठीक है, उनको फ्लफी टॉयज शायद पसंद होगा, या हो सकता है कि इनके साथ आप अगर आपका शादी होता है सो ऑफ कोर्स यू विल हैव अ वेरी क्यूट चाइल्ड। ठीक है, इस तरह से है। तो उनका ड्रीम्स हो सकता है, सपना हो सकता है एक बच्चा हो उनकी ज़िंदगी में जो काफ़ी क्यूट हो। आपके पर्सन की फेस इस तरह से कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा राउंड हो सकता है, यहाँ पे क्यूट क्यूट। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। उनको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, अगर फीमेल है उनको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है। आई डू फाइंड ये इंसान आते ही आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दरवाजे जो आपके लिए एक समय में बंद हो चुका था, राइट, तो उस दौरान ये इंसान आते ही आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मिरेकल्स आपके जीवन में हो रहा है, क्योंकि किसी की संगत से ना लक बढ़ जाता है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर लकी चार्म। ठीक है, ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही कन्फर्म करते हैं, लेकिन शादी के पहले हो सकता है ये इंसान आपके साथ 4 महीना से, हो सकता है 4 साल तक कनेक्टेड रहे, नॉट ओनली थ्रू मैरिज बट मे बी लिव इन रिलेशनशिप, या उनका वो बहुत दूर रहते होंगे इसलिए आपके साथ उनका जो रिश्ता है, ठीक है, वो 4 साल के बाद होगा या 4 साल के बाद मैरिज फिक्स हो रहा है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मतलब इतना टाइम वो ले रहे हैं शादी से पहले, ठीक है, ताकि पूरी तरह से आप एक दूसरे को जान लो, पहचान लो एंड देन द मैरिज इज हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि चटमगनी और पटविया, वैसा बिल्कुल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई दूर का रिश्ता आपके लिए आ रहा है एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ओवरसीज से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और ये स्टेबिलिटी का प्रतीक है। दिस एंकर, ये जो एंकर आप देख रहे हो ये डिस्टेंट होराइजन का है, एक स्टेबिलिटी, एक कन्फर्मेशन का प्रतीक है, क्योंकि इस वन ये जो है ना एंकर के बिना ये जो शिप है इसको आप लैंड नहीं कर सकते, इसको हुकअप करना पड़ता है। सो देर इज अ चांसेस ऑफ हुकअप ऑल्सो एंड देन देर इज अ चांस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, या पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स होना, फिर एंगेजमेंट होना,
फिर एंगेजमेंट के बहुत टाइम के बाद ही शादी को फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस ही कनेक्शन बार बार ही प्रूव कर रहा है विद द जर्नी कि आपको हो सकता है इनको मिलने के लिए या ये आपके लिए मिलने के लिए आए तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, मे बी बाई रेल, क्योंकि पहले ज़माने में तो रेल था इसलिए यहाँ पे बिकॉज आई कैन सी द स्टीम इंजन लाइक, तो अभी के समय में तो फ्लाइट है राइट, फ्लाइट डिस्टेंस ठीक है, रेल या हो सकता है शिप, इस तरह का डिस्टेंस है। तो आप इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा वेट करने वाले हो कि कब आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ओके विद इन द 10 इज कमिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, हो सकता है विद इन 10 डेज भी आपके साथ इनका मुलाकात हो। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी और को बट आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा और, ये भी मैं देख रही हूँ। आप किसी का एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो लेकिन आएंगे कोई और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग इवेंट होगा, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे आप, ऐसे कैसे हो सकता है, जिनके साथ मैंने इतना समय बिताया उनके साथ मेरा शादी हो रहा है। किसी किसी के लिए हो भी सकता है, किसी किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, द कनेक्शन इज लाइक दैट। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ऐसे हो कि आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन का बहुत समय से एंड दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू एनी रिस्पॉन्स, बट फिर भी आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि ज़रूर एक ना एक दिन सब कुछ सही होगा, मे बी मे नॉट बी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट जो भी हो ये इंसान आपके लिए एक लक फैक्टर है। किसी किसी का होता है शादी एक बार फिक्स हो जाए या संबंध हो रहा है उनका ना, आपस में मिल रहे हैं वहीं पे दोनों के लाइफ में ना बहुत मिरेकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का हो सकता है कि टॉपर हो रहे हैं कोई, जिसका होने का चांसेस बहुत मिनिमम था, मे बी सेकेंड थर्ड या फोर्थ का था, पर वो टॉपर हो रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं अच्छा से, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है ठीक है। जिस तरह से होता है कि मेरे एक फ्रेंड है ठीक है, उनके साथ शादी होते ही उनका वीज़ा हो गया, मेरे रिलेटिव्स में से भी ऐसा हुआ कि मेरे चाची का साथ जब चाचा की शादी का बात ही फिक्स हो रहा था, फिक्स हो भी गया तभी जो चाचा है उनके प्रमोशन हो गए ठीक है। इट्स लाइक दैट ना, मेरे मम्मी पापा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो सोलमेट कनेक्शंस आर लाइक दैट ओनली, जो एकदम ट्रू सोलमेट होते हैं ना गाइस, उनका संबंध बनते ही इट बिकम्स एन एडिशनल फैक्टर कि बहुत कुछ आते रहते हैं ज़िंदगी में जो अभी शायद आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। दोनों के एनर्जी से कॉम्बिनेशन होके 1+1=3 हो जाता है, तब समझ में आ रहा है ना। आई विल टेल यू हाउ 1+1=3, वो भी और एक फंडा है ठीक है। तो दोनों मिलके जो एफर्ट्स होता है वो मल्टीपल हो जाता है, सो इट्स कमिंग लाइक दैट। ऑलराइट, समझ रहे हो ना, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरह से होता है ना, हम पर यहाँ पे मेहनत करते हैं, खून पसीना ये कर देते हैं कुछ चीज़ को क्रिएट करने के लिए, फिर भी वो क्लिक नहीं करता ठीक है। लेकिन किसी और के साथ संबंध होते ही वो हमारे लाइफ में आते ही बहुत ही बढ़िया इवेंट्स हो जाते हैं, तब मानना वो आपके सोलमेट है। अगर वो आपके जीवन में आते ही अशुभ घटनाएं हो रहे हैं वो आपके सोलमेट नहीं है, या उनका आपका सोलमेट बनने से आप ही का लॉसेस होगा, ये भी देखा गया है, दैट हैपेंस इन कार्मिक रिलेशनशिप, जिंदगी बर्बाद हो जाता है किसी किसी का ठीक है, बहुत देखे हैं यहाँ पे। ओके, तो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज दैट यस यू आर गेटिंग अ लकी चार्म ओवर हियर। और भी देख लेते हैं इस इंसान के साथ आपका संबंध किस तरह से रहेगा और ये इंसान कौन है, उनके प्रोफेशन भी देख लेते हैं कुछ इस तरह से, मे बी रिलेटेड टू ओशनोग्राफी, ओशन रिलेटेड स्टडीज इन्होंने किया है ठीक है। कोर्ट मैरिज आपका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिज काउंसलर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनका ऑलरेडी ठीक है फाइनेंशियल पार्ट बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रांग है, कुछ लोगों के लिए अलीशान घर में रहते हैं, कुछ लोगों के लिए सिंपल होम ही सही, लेकिन इनके जीवन में धीरे 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 बहुत ज़्यादा ठीक है ये बिल्ड करते जा रहे हैं रिलेशनशिप को और अपने करियर को भी ठीक है। सो हाउ इज दिस पर्सन, मे बी दे आर टीचर्स ऑफ नर्सरी एंड किंडरगार्टन स्कूल, ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, देखा 3 ऑफ वैंड्स कंफर्म कर रहा है ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, द लवर्स, यस आई टोल्ड यू ना, मैंने आपको कंफर्मेशन तो दे ही दिया था
कि आपके सोलमेट जरूर होंगे 100%. ओके, सो दिस इज द एस ऑफ कप्स. वाओ, दैट्स नाइस. द एम्प्रेस लिब्रा. कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है मिथुन राशि, यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस और यहाँ पे है एम्प्रेस जो है लिब्रा. ठीक है, तुला राशि. बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं. हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स. ये एस ऑफ पेंटिकल्स और चाइल्ड लाइक एटीट्यूड तो जा ही नहीं रहा है बहुत ही. ओके, काफी मैच्योर है, काफी ज्यादा इमैच्योर है. ओके, थ्री इंपॉर्टेंट नंबर है 6, 3, 6, 1. थ्री इज अगेन इंपॉर्टेंट. 3, 6, 1, 1 मतलब 11, 33, 6 काफी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है. शुक्र आपके सेवेंथ हाउस में हो सकता है. ठीक है, और किसी का थर्ड हाउस में भी हो सकता है शुक्र. नाउ ऑफ कोर्स ये जो कनेक्शन आपके लिए बनेगा ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अगर ये आपकी वाइफ है तो ये सारी जिम्मेदारी अपने घर के भी उठाएंगे, आपके बच्चे भी होंगे और इनके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव और इंस्पिरेशनल आइडियाज होंगे जिससे ये काफी ज्यादा अपने घर पे ही बैठ के बहुत बड़े बिजनेस को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, दे विल हैव दैट, उनके पावर होंगे बहुत ज्यादा. सो द एम्प्रेस इज ऑल अबाउट द लविंग नेचर ऑफ अ मदर. एक माँ का लविंग नेचर जो होता है उसी तरह से आप देखोगे आप अपनी वाइफ में. ठीक है, और अगर आप एक फीमेल हो तो आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इस तरह का, ठीक है, आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं. आपको गिफ्ट्स देना, आपको घुमाने के लिए लेके जाना, जाना ही पड़ेगा वीकेंड्स पे. जिस तरह से मम्मी पापा बच्चे को पैम्पर काफी ज्यादा करते हैं, जिस तरह से मैं बहुत ज्यादा पैम्पर्ड हूँ, ठीक है. ओके, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब चाहे जो भी मन करे आपका आप कर सकते हो. यू आर हैविंग दैट इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ जो काफी मुझे अच्छा लग रहा है. आपको कहीं पे भी बैठना है आप बैठो, आप शांति से जो भी काम करना है करो, आपको कोई भी हुकुम नहीं कर रहा है कि आपको ये करना है वो करना है, आप अपने मन की इच्छा से कर रहे हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है. और जो भी आपके एक्शन से, जो भी आपके आइडियाज है इन पर्सन के वजह से और भी, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सूजी का हलवा बनाना है और आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, अब मुझे पता है आप जानते हो, और वो आपके पर्सन जो है आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको होगा ही नहीं, आपसे नहीं होगा, आपसे जल जाएगा, ये करने से क्या होता है, आप डीमोटिवेट होते हो. ठीक है, वो आप फिर आपको जल ही जाएगा फिर वो सूजी का हलवा, राइट. तो कहीं ना कहीं पे आपको सपोज गाड़ी चलाना है, ठीक है, ड्राइव करना है, और आप क्या कर रहे हो, वो आपको बोलते जा रहे हैं आप नहीं कर पाओगे, अरे मुझे ही दे दो, आप बैठे रहो साइड में, क्या है उसमें, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे. इस तरह के इंसान वो बिल्कुल नहीं होंगे. आपको हर एक चीज में सपोर्ट करना, ठीक है, आपके स्टडीज में कुछ प्रेशर है, मे बी कुछ लोगों का जब शादी होगा ना तब ऑलरेडी आप एक स्टूडेंट होंगे और वो आपके फाइनल कोर्स तक, मतलब फाइनल ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको मदद करेंगे, आपको बोलेंगे आपको घर का काम कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ अपना पढ़ाई करते रहो. ठीक है, और मुझे लग रहा है इनको स्कॉलरशिप्स भी मिलेगा, काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी से भी पढ़े लिखे होंगे, बहुत पॉपुलर कॉलेज से पास आउट होंगे, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. इनके पास खुद के घर होंगे, व्हीकल होंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे. ठीक है, द हाउस इज देयर, स्टेबिलिटी इज देयर. ठीक है, हो सकता है ये अपार्टमेंट्स में रहे, मुझे अपार्टमेंट से ज़्यादा यहाँ पे खुद के घर मतलब मकान यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ठीक है, हो भी सकता है अपार्टमेंट्स ड्यू टू द मॉडर्न वर्ल्ड. नाउ यहाँ पे इस इंसान आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे अगर ये दूर रहते हैं तो. ठीक है, और वो भी आपको अपने लाइफ में लकी ही मानेंगे कि उनके वजह से, ठीक है, आपके वजह से उनके जिंदगी में इतना खुशियाँ उनको मिला. एंड ट्रू लव इट इज़ फ्रॉम इंटीमेट, शायद ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा. एंड देयर विल बी बहुत इमोशनल, डीप इमोशनल सिचुएशन आप एक दूसरे के साथ फील करोगे, एक दूसरे को मिस करोगे, एक दूसरे को जब भी मिलोगे यू विल हग ईच अदर, किस ईच अदर, इट्स लाइक दैट. रिलेशनशिप विल बी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, काफ़ी गहराई में रिलेशनशिप जाएगा. ऊपर ऊपर नहीं है, दिखावा कुछ नहीं है, कुछ कपल्स दिखावा करते हैं एंड आई सी दैट फ्रॉम द वीडियोज, इट्स नॉट लाइक दैट.
रियलिटी, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, आपने उम्मीद जो रखा था एक जीवन साथी का उसी तरह से मुझे दिख रहा है, बट ये एक फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा ऊपर है, डीप फ्रेंडशिप, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपको पता चल जाएगा कि दिस इज माय पर्सन। एम्ब्रेस ट्रू लव, इंटीमेट फ्रेंडशिप्स, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी ऑफ द इलनेस। हो सकता है कि आपसे आने से, ये इंसान आने से पहले आप किसी इंसान के लिए बहुत उम्मीद लगाए थे और उन्होंने आपको धोखा दिया, उसी वजह से आपके शरीर में भी बहुत ज़्यादा बीमारी या तबीयत खराब आपको फ्रिक्वेंटली होता था, लेकिन ये इंसान आ जाने से आपकी सारी जो तकलीफें हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ हीलर इन फ्रंट ऑफ यू। और आप भी उनके जीवन में जितना भी बिटर एक्सपीरियंसेस है, मतलब कड़वापन है, वो भी आप दूर कर रहे हो। सो लेट मी सी, ये इनके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऊपर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा ये टांग भी खींचेंगे, थोड़ा सा हिलेरियस भी है, काफ़ी कॉमेडियन क्वालिटीज भी इनके अंदर आपको मिलेगा, और इनके वॉइस काफ़ी स्वीट हो सकते हैं एंड डेफिनेटली काफ़ी सोबर होंगे, वो लोगों के साथ बिहेव करेंगे काफ़ी अच्छा वे में। नाउ लेट मी सी, मुझे आज लकी फैक्टर तो देखो एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं यहाँ पे मिला आज, ठीक है, अपसाइड डाउन कार्ड कुछ भी नहीं मिला मुझे यहाँ भी। सो लेट मी सी, सो आपके लिए क्या गाइडेंस है उसके बाद हम इनिशियल्स को देख लेंगे, ओके। ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, ठीक है, जो मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें थी वो उसको आप खुद को ब्रेक करने चाहिए। आपको इस बंद कमरे में रहने के लिए कौन बोला है, आप उसको तोड़ दो। सारे जो रुकावटें आ रहे हैं, सारे जो रुकावटें लोग आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपको उसको तोड़ देना है। ये बाउंड्री, ये वाल, ये रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, आप ये ना करें, वो ना करें। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को शादी एक, मतलब इस तरह से है कि आपका शादी हो रहा होगा किसी और के साथ, फिर ब्रेकअप होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद ये इंसान आपको मिल रहे हैं, एंड तभी आपने हिम्मत किया होगा अपने ससुराल से आप बाहर निकल रहे हो, एंड देन यू आर मीटिंग दिस पर्सन। ये भी मुझे दिखा, ये भी मुझे फील हुआ कि आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकता है जो काफ़ी कंट्रोलिंग था और आपको, मतलब आपको साफ साफ बता दिया था आप किसी और से मिल नहीं सकते, आपके मोबाइल बार बार वो चेक करते थे, इस तरह का रेस्ट्रिक्शन से आप बाहर आ जाओगे, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। और जब आप इस तरह का काम कर रहे हो तब एंजल्स आपको वो मदद कर रहे हैं इस रेस्ट्रिक्शन एनवायरमेंट से बाहर आने का। यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स, ओके, चूजिंग योर पाथ। आप अपना खुद का जो लक्ष्य है, खुद का जो रास्ता है, खुद तैयार करोगे। ऑल इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है नहीं मुझे यही नेगेटिव रिलेशनशिप में, यही अब्यूजिव रिलेशनशिप में जीना है जो मेरे लिए हानिकारक है, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एक बार मेरा शादी हो चुका है, मैं नहीं जा सकती, एक बार मैं बांध चुकी हूँ इस बंधन में, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप कर सकते हो, आप रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर आ सकते हो, बिकॉज दिस इज योर लाइफ, योर डिसीजन, नॉट एनीवनस डिसीजन, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल, नाउ लेट मी सी थ्रू द इनिशियल्स। ओके, सो वी डू हैव द एन एफ। देखो इधर तो ये पर्सन का स्पेक्स होगा, ये आपको दूर की सोचना है, ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर का नहीं सोचना है उतना। ऑल राइट, आई ए यहाँ पे 80 M, ओह बेबी, TMT, ये तो एक कंपनी है साउथ का जो डोसा इडलीज का
They make processed food. Okay, and they also have the chain of restaurants. Maybe they have ये पर्सन का फूड या चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं. पिंजरा से देखो, पिंजरा से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो. ओके, ऑफ कोर्स द प्रपोजल इज कमिंग. ओके, आपके क्राउन चक्र हील हो रहे हैं और भी ज़्यादा. यूएई, ठीक है, दे कैन बी फ्रॉम कतर, दुबई ऑल्सो लाइक दैट. ओके, सिद्धार्थ किसका नाम हो सकता है, सेड. ओके, ऑलराइट. और निया किसका नाम हो सकता है, दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन. डबल ए मे बी इन देयर नेम्स, या आपके नेम में हो सकता है. देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये टॉपर होंगे, या आप टॉपर हो सकते हैं. फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट एफ आई आर कहा गया, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट. ओके, सी ए कैन बी द कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सी एस एंड सी ए, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन यूनियन. ओके, सैटरडे के दिन आप लोग मिल सकते हो. ओके, दे मे बी वर्किंग सम लोन कंपनीज. ओके, प्रोविडेंट फंड रिलेटेड कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है. ओके, फिर आप लोग देख लेना, ठीक है, यहाँ से कौन कौन सा नेम्स बनते हैं. अगर आपका नेम बन रहा है या आपके पर्सन की बन रही है तो आप लोग प्लीज लिख देना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग. Thank you so much. Love you all.